नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दयाल टेक्निकल में। अगर आप पीएनबी का एटीएम कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। जिस शाखा में आपका अकाउंट है उसमें जाकर इस तरह का फॉर्म ले लें। इसे भरकर बैंक में जमा करने पर बैंक आपको तुरंत एटीएम कार्ड दे देगी, लेकिन ये कार्ड अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये वेरीफाई नहीं है, ना ही आपके पास इसका पिन है। दोस्तों ध्यान रहे, 24 घंटे में आपके मोबाइल पर जो आपके अकाउंट से लिंक है उस पर मैसेज के थ्रू एक ओटीपी नंबर आएगा, जिसे सबमिट करके आपको अपना पिन जनरेट करना होगा। दोस्तों पिन जनरेट करने के लिए आपको दो तरीके हैं जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। पहला तरीका, अपना कार्ड किसी भी नज़दीकी एटीएम में जो पीएनबी का हो जाकर लगा दें। लगाते ही ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डालें और अपना पिन जनरेट कर लें। और ये देखिए दूसरा तरीका, अगर आप अपने मोबाइल से पिन जनरेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली आप अपने गूगल में चले जाइए और यहाँ पे जाके टाइप कर दीजिए www.netpnb.com। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये जो लॉक का जो चिन्ह दिखा, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, सबसे नीचे जो ऑप्शन है जनरेट डेबिट कार्ड पिन, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और देखिए क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए साइड में ही जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है जनरेट डेबिट कार्ड पिन, यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज हमारे सामने होगा। कॉलम में आपसे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो आप अकाउंट नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वन टाइम पासवर्ड पूछा जाएगा जो अभी आपके मोबाइल पर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए वन टाइम पासवर्ड जो है हमको आ चुका है, अब हम इसे यहाँ पे भर देंगे और जाके इसे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन होगा। इसमें तीन कॉलम दे रखे हैं। पहले कॉलम में जो आप अपना जो कार्ड नंबर है जो 16 अंकों का होता है कार्ड पे लिखा हुआ है वो डाल दीजिए, और दूसरे नंबर पे ओटीपी जो 6 अंकों की होती है जो आपको मोबाइल में मैसेज के द्वारा मिली है वो डाल दीजिए, और एक है तीसरे नंबर पर कैप्चा कोड वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास इस तरह का ओपन होगा। दोस्तों इसमें आपके लिए दो कॉलम मिलेंगे, पहले में 4 अंकों का कोई भी पिन बना लीजिए, उसके बाद उसे दोबारा से नीचे वाले कॉलम में लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में देखिए दोस्तों आपका जो पिन है वो जनरेट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही एक घंटी का ऑप्शन आएगा उसको भी दबा दीजिए।